हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ट्रिप का है डे 5 और हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है। 7:30 के अराउंड हम निकले थे। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सीधा सिर्फ हम लोग तैयार होके निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं आज अहमदाबाद। प्लान किया है कि हम अहमदाबाद शाम तक पहुंच जाएं, 4-5 बजे तक, और फिर वहाँ पे हम शाम को कनकड़िया लेक है और उस पर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो वो सब देखें। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। अभी तो थोड़ी देर में हम लोग रुकेंगे कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, तब आपको बताते हैं कैसा रहता है हमारा आज का दिन। ये फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में रुके हैं और ये आप देख रहे हो, सारे पानी में डक्स हैं, क्रेन्स हैं, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुछ तो रोड्स बना रहे हैं लोग, रोड एक्सपैंड कर रहे हैं, पर ये अच्छा व्यू है यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये प्रॉपर गुजराती लोकल ढाबा है, तो हमने लिए ढोकला और आलू बड़ी। और यहाँ देखो, सिटिंग भी अरेंजमेंट वैसा ही है। गाइस, हम जा रहे थे द्वारका टू अहमदाबाद, तो जामनगर के जाने वाले थे, तो जामनगर के रूट पर ये पैची रोड है जो कंडीशंस उसके अच्छे नहीं है और बीच में डिवाइडर भी नहीं है। आपको हम आगे दिखाते हैं कि कितने देर तक ये पैची, जो अभी पैची रोड था वो ठीक हो चुका है, उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी ये फोर लेन रोड आ चुकी है, तो देखते हैं अगर आगे और कोई पैच। हाय फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, थोड़ा लेट ही हो गया था, हमने सुबह वो हल्का फुल्का खा लिया, उसके बाद कुछ मिला नहीं रास्ते में, तो ये होटल शिव शक्ति है। अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ से कितने किलोमीटर बाकी है, 229 किलोमीटर बाकी है अहमदाबाद, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा सा फूड प्लाजा टाइप है। देखिए, यहाँ डक्स हैं, बच्चों के लिए स्विंग वगैरह हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी है, बाहर है, अंदर है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम लोग यहीं रुके हैं। अभी ऑर्डर किया है, देखिए बेल्ट में हमें ब्रेकफास्ट के पॉइंट्स तो मिल रहे थे, लेकिन मोस्टली छोटे छोटे मिल रहे थे। बड़े रेस्टोरेंट जहाँ थोड़ा अच्छा से हाइजीनिक मेंटेन हो और वो सब, वो नहीं मिल रहा था ऑप्शन, वो छोटे छोटे से जंक्शन थे और मोस्टली इस बेल्ट पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, और जो थे भी वो अभी सुबह के टाइम बंद थे, तो यही हमें फर्स्ट मिला जो थोड़ा ठीक ठाक दिखा। अभी 11 बज रहा है, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया था मसाला डोसा, मेदू वड़ा और प्लेन मैगी, तो खाना काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे स्टे वगैरह का भी है, बैंकेट हॉल्स हैं, रूम्स हैं, चाय वगैरह भी अच्छी थी, टेस्टी था, रीज़नेबल था। हमारा सारा बिल 360 के अराउंड आया, तो विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। तो अगर आप इस रोड पे हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा, ये लोग कैश ही लेते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली गुजरात में ही है, छोटे मोटे शॉप्स, इवन बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी कैश ही प्रेफर करते हैं, दे डोंट टेक कार्ड्स और जीपे और यूपीआई पेमेंट, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी अहमदाबाद से अराउंड 100 किलोमीटर दूर हैं। मोस्टली रोड्स अच्छे थे, ऐसे ही स्मूथ रोड्स थे बीच बीच में, लेकिन कई जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डाइवर्जेंस है, रोड बना रहे हैं वो लोग, लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है, ट्रैफिक कहीं पे हमें ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं मिला। जो भी डाइवर्जेंस हैं वो नॉर्मली थोड़े स्ट्रेच के लिए हैं और फिर आप नॉर्मल हाईवे पे कनेक्ट हो जा रहे हो, तो ओवरऑल रोड्स अच्छे कंडीशन में हैं। आपको दिख रहा होगा ये 6 लेन है। फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं अहमदाबाद से, तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे होटल अंबेर है, तो हमने वहीं पे लंच के लिए रुके थे, काफ़ी अच्छा है ये। और ये देखिए, ये मेन हाईवे है, हाईवे के बगल में ही है, काफ़ी अच्छा खाना था इसका, चाय कॉफ़ी और आपको ये चिप्स वगैरह सब कुछ है, तो अच्छा है इनका फूड, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, प्राइस वाइज भी इकनॉमिक है। तो अगर आप इस रूट में हैं और आपको लंच के लिए एक स्टॉप चाहिए, तो ये अच्छा स्पॉट है। हमें यहाँ से 1 घंटा और लगेगा अहमदाबाद पहुँचने में, और उसके बाद हम चेक इन करके, आज मंडे है तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट अहमदाबाद के क्लोज़ होते हैं, वो हमने अभी नोटिस किया ऑन द वे पे, हम गूगल कर रहे थे तो पता चला। तो आज हम यहाँ पे एक जैन टेम्पल है हाथी सिंह, और उसके बाद स्वामी नारायण टेम्पल है,
और एक विंटेज कार म्यूजियम है। तो ये तीन चीज़ें प्लान्ड हैं आज के लिए, देखिए कितना एग्जीक्यूट होता है। होटल रूम पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास, हम 4:30 हो रहा है। तो ये हमारा होटल रूम है और ये होटल सिल्वर हाइट्स है, रेलवे स्टेशन के पास है। अब हम लोग फ्रेश हो के फिर जाएंगे, ये वॉशरूम एरिया है, ये बड़ा सा मिरर है और ये एंट्री है। तो ये डिसेंट होटल है, बहुत ज़्यादा प्रीमियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल रेंज में आपको ये मिलेगा होटल। इन लोगों के पास ब्रेकफास्ट का बुफे है और ये रेलवे स्टेशन के पास है, एकदम मेन रोड पे है, तो उस तरह से ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हत्संगी जैन टेम्पल है, तो वहाँ अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हम बाहर से दिखाते हैं। ये आपको कैंपस है और ये स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स हो रखे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहाँ बाहर बैठने का है, एकदम शांत एटमॉस्फेयर था। तो इट्स अ गुड प्लेस टू विज़िट अगर आपके पास टाइम है, जैसे हम लोगों के पास आज टाइम था और हमने कुछ और कर नहीं सकते थे ज़्यादा। आज ये स्वामीनारायण और विंटेज म्यूज़ियम के अलावा सब कुछ बंद है अहमदाबाद में मंडे को, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ आए थे। हमें यहाँ पे हमने अंदर 10-15 मिनट स्पेंड किए, एक राउंड लेके पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखा और फिर हम वापस आ गए। आए थे स्वामीनारायण टेम्पल, ये इसका मेन गेट है और ये टेम्पल है कॉम्प्लेक्स, और ये पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग बहुत ज़्यादा है, तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्पल काफ़ी सुंदर है, आपको बाहर से दिख रहा होगा, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कुछ लोग फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं बट हमने वो रिस्क नहीं लिया। और आप देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ है, ये ऐसे ही पूरा अंदर तक है, काफ़ी सुंदर है। और ये बोला जाता है कि ये पहला स्वामीनारायण टेम्पल है इंडिया का, तो आप ज़रूर आइए अगर आप अहमदाबाद में हैं तो यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम आए थे विंटेज कार म्यूज़ियम, ये अहमदाबाद में है, थोड़ा बाहर हाईवे के पास है। ये उसका एंट्री है, अराउंड 112 कार्स हैं अंदर, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पुरानी और नई कार्स हैं। ये विंटेज कार म्यूज़ियम का बोर्ड है और आगे पार्किंग भी है, काफ़ी पार्किंग है। 100 रुपीज़ है एंट्री 11 साल से अबव एडल्ट्स के लिए, और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। बाइक्स भी हैं अंदर, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसका 100 रुपये का अलग से टिकट है, वो हम लेना भूल गए थे, और बाद में पूरा राउंड लेने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें ले लेना चाहिए था, क्योंकि अंदर बहुत अच्छा है, मतलब आपको फ़ोटोग्राफी के लिए अच्छी है जगह। काफ़ी पुरानी पुरानी कार है, सबसे पुरानी कार जो हमें मिली देखी हमने वो 1906 की थी, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप कार लवर्स हो तो आपके लिए भी ये स्पॉट बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर आना चाहिए। ये टिकट काउंटर है, दिन में ये ओपन होता है पर नाइट के लिए उन्होंने वहाँ पे अलग से एक टिकट काउंटर रखा है जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है, अंदर भी काफ़ी क्लीननेस है, टॉयलेट्स हैं, तो सारे अरेंजमेंट्स हैं आपके। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है विंटेज रेस्टोरेंट करके, ये वो रेस्टोरेंट का ही है जहाँ पे आपको गुजराती और अदर स्नैक्स मिलेंगे। एक प्ले जोन है बच्चों के लिए, मेरे लेफ्ट में प्ले जोन है और राइट में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो सब कुछ है, आप आराम से काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ। यही फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही थी कि ये विंटेज रेस्टोरेंट है और ये बच्चों के लिए प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चों का गेम्स वगैरह है, और ये टिकटिंग है ऑटो वर्ल्ड म्यूज़ियम का, 100 रुपीज़ कैमरा चार्ज। यहाँ पे टॉय ट्रेन्स वगैरह हैं बच्चों के लिए, तो अच्छा है यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो। फ्रेंड्स, आज का हमारा डे यही था और आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।